अभिनेता गोविंदा गोलीकांड पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लोडेड रिवॉल्वर से गोविंदा को गोली लगी, ये जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। गोविंदा के पास 32 बोर की रिवॉल्वर थी, ये पुलिस ने बताया। रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी, एक मिस फायर हुई है, यानी लोडेड थी ये रिवॉल्वर। लोडेड का मतलब इसमें गोलियां डली हुई थी, 6 गोलियां थी जिनमें से एक गोली फायर हो गई, मिस फायर की घटना है, पुलिस ने यह जानकारी दी है। तो आज सुबह अहले सुबह जब यह खबर आई थी कि गोविंदा जख्मी हो गए, उन्हें गोली लग गई है, तो उनके तमाम जो प्रशंसक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, बहुत चिंतित हो गए थे। अब गोविंदा की हालत बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य लाभ वो कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि गोविंदा आज सुबह 5:45 की फ्लाइट से कोलकाता जाने वाले थे और सुबह 4:30 बजे उन्हें घर से निकलना था, और इससे पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर को आलमारी में एक सूटकेस में रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर नीचे गिरी, उससे चली गोली गोविंदा के पैर में जा लगी। घायल गोविंदा को पुलिस बॉडीगार्ड ने अस्पताल में भर्ती करवाया और पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। अब मैं आपको सीधे मृत्युंजय के पास ले चलता हूं। मुंबई, मृत्युंजय, इस पूरे मामले में दिन भर जो पुलिस ने भी जांच पड़ताल की होगी, कुछ और जानकारियां भी सामने आई होंगी, अब क्या पता चल पा रहा है, अपडेट क्या है, इस घटना के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? अखिलेश, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये दे दूं कि मुंबई पुलिस की जुहू पुलिस ने पंचनामा पूरा कर लिया है। पंचनामा करने के लिए 3 पुलिस अधिकारियों की टीम अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गोविंदा के बंगले पर पहुंची थी, जहां पर उनकी बेटी टीना आहूजा भी मौजूद थी और साथ में जो हेल्प है, यानी घर पर जो काम करने वाला लड़का है, वो भी वहाँ पर मौजूद था। दरअसल पंचनामा की प्रक्रिया ही यही होती है कि पंचनामा के दौरान जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं या फिर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट होते हैं, वो वहाँ मौजूद होने चाहिए। तो वहाँ टीना आहूजा को बुलाया गया था, वहां घर में मौजूद थी, बयान दर्ज किया गया है, पंचनामा पूरा किया गया है, उस पूरे जगह को फिलहाल घेर दिया गया है या रूम लॉक कर दिया गया है जहां पर यह घटना घटित हुई थी। आपको बता दें कि 5:45 पर मुंबई से कोलकाता की फ्लाइट थी और उसी फ्लाइट को गोविंदा को लेना था। गोविंदा कलकत्ता में एक दुर्गा पूजा के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता जा रहे थे और इसीलिए सुबह 4:30 बजे वो अपने घर से बाहर निकलने वाले थे और एयरपोर्ट उन्हें पहुंचना था, लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले जब वो अपना रिवॉल्वर जो कि 0.32 बोर की रिवॉल्वर है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।